हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का आज के ब्लॉग में स्वागत है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज छत पे हमारी कच्ची रसोई तैयार होने जा रही है, जो गांव की अमूमन रसोई होती है। तो कैसे उसको तैयार करेंगे, तो आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये देखिए, ये तालाब से मिट्टी लाए थे और ये मिट्टी अभी सूखी हुई है, तो इसको सबसे पहले तोड़ेंगे और फिर इसको तोड़ करके इसमें पानी डालेंगे और ये पूरी तरीके से जब फूल जाएगी तब ये मिट्टी का लेप दीवार पे लगाया जाएगा। और ये देखिए, अब पूरी तोड़ करके तैयार हो चुकी है मिट्टी, तो इसमें पानी डाला जा रहा है और ये रात भर फूलेगी और फिर अगले दिन ये लगाने के लिए तैयार होगी। और ये देखिए दोस्तों, अब इसमें जो गोबर डाला गया है और थोड़ा भूसा भी मिलाया गया है और अच्छे से इसको मिलाया जा रहा है। और ये देखिए, और ये मिट्टी अब ले आए हैं और यहीं पे दोस्तों चूल्हा रखा जाएगा। तो सबसे पहले चूल्हा रखने के लिए यहाँ मिट्टी का लेप किया जा रहा है। दोस्तों, कुछ समय पहले छत पर यहाँ चूल्हा रखा हुआ था, पर बारिश में भीग गया था तो टूट गया था। और अब फिर से दोबारा यहाँ छत पर रसोई तैयार हो रही है। तो देखिए कैसे उसको बढ़िया सा एक आकार दे दिया गया है और मिट्टी का लेप करके पूरी तरीके से देखिए बराबर हो गई है ज़मीन अब। और इस पर चूल्हा रखा जाएगा और आसी भी खूब मेहनत कर रही थी। ये देखिए चूल्हा रख दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये चूल्हा रख दिया गया है और हमारे जो छत की रसोई है वो तैयार हो रही है। अभी इसकी पुताई होगी तो और अच्छा लगेगा। दोस्तों, अक्सर करके गांव के लोगों का जीवन सादा और सरल ही होता है और लगभग सबके यहाँ ऐसे ही कच्ची रसोई आपको देखने को मिलेगी और ऐसे ही चूल्हे में खाना बढ़िया बनाया जाता है और सब लोग बड़े प्यार से खाते हैं। तो हमने भी सोचा कि चलिए हम छत पर रसोई तैयार करते हैं और एक सुंदर सा रसोई घर बनाकर तैयार करेंगे और फिर जो भी खाना बनेगा आप सबको खिलाएंगे। और अब देखिए चूल्हे की जो मिट्टी से लिपाई है वो हो गई है और इसके बाद एक छोटी सी दीवार यहाँ बनाई जा रही है। ये देखिए, ये देखिए एक छोटी सी दीवार बनकर तैयार हो चुकी है और इस पर मिट्टी का लेप किया जा रहा है अच्छे से। तो दोस्तों देखिए, ये छत पर जो रसोई बन रही है उसकी ये दीवार बन चुकी है और पीछे आप देख सकते हैं अभी चूल्हा बनाया गया है। तो ये मिट्टी से लिपाई हो रही है और दीवार को पूरी तरीके से क्लीन किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये कच्ची मिट्टी से लिपाई करके और सुंदर सी एक दीवार यहाँ बनाई गई है और इसकी पुताई अभी बाकी है। तो दोस्तों, अब हम इस दीवार को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक बार और ईंट का यहाँ प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर ये दीवार बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, ये छोटा सा एक आकार दिया जा रहा है मिट्टी से, इसमें दीपक रखा जाएगा। तो दीपक रखने के लिए भी एक छोटा सा इंतज़ाम यहाँ कर दिया गया है और दीवार भी बनकर तैयार हो गई है। अब इस पर
सफ़ेद मिट्टी जो लाएंगे उससे पुताई की जाएगी, तो पुताई का वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो अभी छोटा सा किचन या रसोई घर कह लीजिए तैयार हो गया है, अभी इसका पूरा सौंदर्यीकरण अभी बाकी है, तो इसका डेकोरेशन जब हो जाएगा इसका तो आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये छत पर जो रसोई बन रही है वो तैयार हो चुकी है, और ये देखिए चूल्हा भी रख गया है, और बगल में जो दीवार अभी देख रहे थे बन रही थी तो वो भी बनकर तैयार हो गई है, और वो दीपक रखने वाला बनाया गया है जिसमें दीपक रखेंगे। तो अभी ये केवल बनकर तैयार हुई है, अब इसकी पेंटिंग नहीं हुई है, और जब कच्ची मिट्टी यानी सफ़ेद मिट्टी जो लाएंगे हम आपको दिखाएंगे, तो उससे जब ये इसकी पुताई होगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और आप सबको ये मिट्टी की लिपाई कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्या मिट्टी, मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम।